हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे, 24 बाय 45 फीट का हमारा आज का 3 BHK हाउस प्लान है। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर रहेगा, थ्री थ्री बेडरूम सेट है। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 26 लाख के आसपास रहेगी। 1080 स्क्वायर फीट बनेगा हमारा प्लॉट एरिया, 3 रूम सेट, हाउस डिजाइन विद कार पार्किंग। सो प्लान को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज हम इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज जो हैं वो लेकर आते रहते हैं। सो आइए वीडियो की तरफ चलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले देखेंगे हमारी प्लॉट की डायमेंशन, प्लॉट की लेंथ देखेंगे 45 फीट है, प्लॉट की विड्थ देखेंगे वो है 24 फीट की। सो 24 बाय 45 फीट का हमारा आज का हाउस प्लान है। एरिया डिटेल्स देखें तो 1080 स्क्वायर फीट आपका प्लॉट एरिया रहेगा, 120 गज का मकान रहेगा। स्लैब एरिया जो हमने डाला है वो रहेगा 1020 स्क्वायर फीट का, ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब डलेगी। सो ये देखिए, दो एंट्री आपको दिख रही है, लेफ्ट साइड से आप देखेंगे आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, या राइट साइड में देखेंगे आपका रैंप रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपना पार्किंग स्पेस के अंदर, पार्किंग स्पेस आप देखेंगे 10 फीट बाय 14 फीट 9 इंच का रहेगा। यहाँ पर आराम से अपनी एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और उसके बाद भी आपके पास रास्ता रहेगा फॉर द सर्कुलेशन एरिया। सो यहाँ दो स्टेप्स के बाद आपका प्लिंथ लेवल आ जाता है, घर का जो है फ्लोर लेवल आ जाएगा, जो कि हम रखेंगे हमारा 1.5 फीट का। सो आप एंट्री करेंगे सीधा ड्राइंग रूम के अंदर, या आप स्लाइडिंग विंडोज यहाँ पर लगाएंगे। सो ड्राइंग रूम का आपका साइज मिलेगा 11 फीट 9 इंच बाय 14 फीट का। इस तरीके से आप सोफा सेटिंग अपनी एल शेप में कर सकते हैं, सामने आप अपना टीवी पैनलिंग कर सकते हैं। सो एक टिपिकल आप इस तरीके से अपना फर्नीचर लेआउट कर पाएंगे। सेकेंडरी एंट्रेंस आप देखेंगे, आपके पार्किंग स्पेस से आपको एक एंट्री मिलेगी, 4 फीट वाइड एंट्री रहेगी। एंट्रेंस लॉबी के अंदर आप एंट्री करेंगे, 10 फीट बाय 8 फीट आपको एंट्रेंस लॉबी का साइज मिलेगा। एंट्री करते ही राइट साइड में आपको एक कंसोल मिलेगा, यहाँ आप अपनी शू रैक वगैरह रख सकते हैं, की चेन वगैरह हैंग कर सकते हैं इधर आप। सामने आप देखेंगे आपको ये शेयरकेस दिखेगी दोस्तों, 3 फीट 3 इंच वाइड ये शेयरकेस है, 10 इंच इसका ट्रेड रहेगा। एंड राइजर एज पर फ्लोर टू फ्लोर हाइट आप 6 से 7.5 इंच तक अपना राइजर रख सकते हैं। इस तरीके से क्लॉकवाइज अपनी शेयरकेस को आप रन करेंगे। शेयरकेस के साथ में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको डाइनिंग लॉबी मिलेगी दोस्तों, 12.5 बाय 11 फीट का आपको डाइनिंग का साइज मिलेगा। एंड इस तरीके से आप 6 सीटर या फिर 5 सीटर अपनी डाइनिंग लगा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। आपको अगर क्रॉकरी यूनिट लगाने की रिक्वायरमेंट है तो इस दीवार पे आप अपनी क्रॉकरी यूनिट भी प्लेस कर सकते हैं, एंड उसके लाइन आप अपनी डाइनिंग टेबल जो है वो लगा पाएंगे। आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो ये ओपनिंग के थ्रू आप अपनी किचन के अंदर एंट्री करेंगे, 8 फीट बाय 11 फीट के आपको किचन का साइज मिलेगा। सो इस लैब पे आपको सेंटर में यहाँ पे गैस स्टोव रखने का स्पेस मिलेगा, इधर आप अपना सिंक रख सकते हैं, ये आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। पीछे आप देखेंगे तो आपके पास एक ग्लास विंडो रहेगी, ग्लास डोर रहेगा जो पीछे की तरफ जाने के लिए आपको एक्सेसिबल रहेगा। 4 फीट ये स्पेस रहेगा बीच में फॉर द सर्कुलेशन। सो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अपने यूटिलिटी एरिया में, 12 फीट 9 इंच बाय 5 फीट 6 इंच का स्पेस है, जहाँ आप अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं इस तरफ से। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलेंगे दोस्तों, यहाँ लॉबी से आप एंट्री करेंगे अपने बेडरूम में, 14 फीट बाय 11 फीट का आपको बेडरूम का साइज मिलेगा। इस तरीके से आप बेडिंग करेंगे, सामने आप टीवी पैनल लगा सकते हैं, राइट साइड वाली वॉल पर आप अपनी कैबिनेट लगाएंगे, इधर आप अपना कंसोल वगैरह कुछ लगाकर ब्यूटीफाई स्पेस को कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाने के लिए आपको एक दरवाज़ा दिया गया है, जो कि आप ग्लास का रखेंगे सो दैट लाइट एंड वेंटिलेशन आप ले सकें यहाँ से। अटैच आपको टॉयलेट मिलेगा दोस्तों, 2.5 फीट के दरवाजे के साथ आप अपने टॉयलेट में एंट्री करेंगे, 9 फीट बाय 6 फीट का ये टॉयलेट का साइज रहेगा। लेआउट की बात करें तो दरवाजे के सामने यहाँ आपके पास वॉश बेसिन रहेगा, दरवाजे के पीछे इधर आपके पास WC रहेगी, ये आपका बेथिंग एरिया रहेगा। सो ग्राउंड फ्लोर का ये लेआउट रहेगा दोस्तों, स्टेयरकेस यूज करते हैं और चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो गाइज, ये फर्स्ट फ्लोर आ जाता है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपकी लॉबी है, यहाँ से आप अब चलेंगे फॉर द टेरेस फ्लोर, यहाँ से डाउन जाएंगे फॉर द ग्राउंड फ्लोर। सो इस लॉबी से ये आपके पास स्पेस रहेगा दोस्तों लगभग 4 फीट के आसपास का, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो बेडरूम का साइज आपको मिलेगा 14 फीट बाय 11 फीट का, लेआउट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने आपको यहाँ बेडिंग मिलेगी, ये सामने आप टीवी पैनल लगाएंगे, एंड सामने की तरफ आपको सेम टॉयलेट मिल रहा है 9 फीट बाय 6 फीट का विद सेम लेआउट। दरवाजे के सामने आपको यहाँ वॉश बेसिन है, दरवाजे के पीछे है WC, ये आपका बेडिंग स्पेस है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए इधर आपके पास वेंटिलेटर रहेगा, ये जो स्पेस है ये ओपन टू स्काई रहेगा, सो दैट नीचे का जो एरिया है वो लाइट एंड वेंटिलेट हो पाए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपको बैल्कनी देनी है तो आप सीधा इस वॉल पे भी अपने एक बैल्कनी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस स्पेस को आप एज एन बैल्कनी यूज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। किचन के ऊपर हमने आपको ड्रेसिंग एरिया दिया है, बड़ा स्पेस है, 8 फीट बाय 9.5 फीट का स्पेस है। ओपनिंग के थ्रू आप ड्रेसिंग में एंट्री करेंगे, दोनों ही तरफ आपको कैबिनेट मिलेगी दोस्तों। सो 8-8 फीट के आपके यहाँ कैबिनेट रहेगी, एंड बीच में जो आपके पास स्पेस बचता है 5.5 फीट का, यहाँ आप अपना ड्रेसर ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं, मिरर वगैरह लगाकर इस स्पेस को आप यूज कर सकते हैं। नीचे देखेंगे गाइस तो ये आपके पास रहेगा एक सेटिंग एरिया,
जो यहाँ पर पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के ऊपर हमने आपको कवर्ड सेटिंग दी है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। इस तरीके से दो सोफा सेटिंग कर सकते हैं, सामने टीवी पैनलिंग करा सकते हैं। तो सेटिंग एरिया की डायमेंशन आप देखेंगे, 10.5x8 फीट का आपको स्पेस मिलेगा। फ्रंट साइड में ये स्लाइडिंग विंडो लगाकर आप अपनी बैल्कनी प्रोवाइड कर सकते हैं। 10 फीट 9 इंच बाय 6 फुट 6 इंच की वाइड बैल्कनी है। आप इस एरिया को चाहे तो सेटिंग एरिया के अंदर कवर कर सकते हैं, या चाहे तो इस स्पेस को एक ओपन टेरेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इधर दीवार लगाकर इस पूरे स्पेस को एज एन टेरेस आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसको कवर करते हुए कवर्ड सेटिंग के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। थर्ड बेडरूम की तरफ चलेंगे दोस्तों, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। 11 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का आपको बेडरूम का साइज मिलेगा। इस तरीके से आप बेडिंग करेंगे, सामने टीवी पैनलिंग लगाएंगे, नीचे आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड की गई है। सो 12 फीट बाय 3.5 फीट के यहाँ पर आपको एक स्टैंडिंग बैल्कनी मिलेगी, सो दैट जैसे ही आप इसको स्लाइड आउट करेंगे तो आपको बेडरूम का स्पेस जो है वो बड़ा बड़ा फील होगा। अटैच आपको ड्रेसिंग एंड टॉयलेट मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आप ड्रेसिंग में एंट्री करेंगे। 8 फीट बाय 6 फीट का आपको ड्रेसिंग का साइज मिलेगा। दोनों ही तरफ आप अपनी कैबिनेट लगाएंगे, रास्ते में बीच में आपके पास 4 फीट का स्पेस रहेगा फॉर द सर्कुलेशन। पीछे आपके पास रहेगा 2.5 फीट का दरवाजा जो कि एंट्री करेगा आपको टॉयलेट के अंदर। साइज आप देखेंगे 8 फीट बाय 6 फीट 9 इंच का टॉयलेट का साइज मिलेगा। दरवाजा खुलते ही ये वॉश बेसिन का स्पेस है, ये आपके पास शाफ्ट रहेगी फॉर दिस लाइट एंड वेंटिलेशन फॉर दिस टॉयलेट एरिया। एंड दरवाजे के पीछे यहाँ WC रहेगी एंड ये आपका बेथिंग स्पेस रहेगा। सो इस तरीके से आपको एक प्लान मिलता है 24 फीट बाय 45 फीट के अंदर, 3 BHK हाउस प्लान विद ड्यूप्लेक्स हाउस। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा प्लान। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा हो या आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको अपना कोई प्लान बनवाना हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, गुड बाय।